मैथ्स में वन एंड टू डिजिट नंबर्स करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे वन डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है और वन डिजिट नंबर किसे बोलते हैं। वन टू नाइन, वन से नाइन तक जितने भी नंबर है उन्हें वन डिजिट नंबर बोलते हैं। जैसे वन जितने भी नंबर है वो ये इन्हें वन डिजिट नंबर बोलते हैं। वन से लेकर नाइन तक अप टू डिजिट नंबर, टेन टू 99 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें टू डिजिट नंबर बोलते हैं। जैसे टेन, वैसे ही 21 लिखना हो तो 20 और ओ ए ही 1 का मीनिंग लिखेंगे। 20 वैसे ही 22 तो 20 और 22, 20 का मीनिंग और 2 का मीनिंग लिखेंगे हो जाएगा 22। वैसे ही 29 तक और अब 13 का मीनिंग देखते हैं। ऐसे ही 31 से लेकर 39 तक 30, 31, 30, 32 ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। 1 31। अब ऐसे ही 32 तो लिखेंगे 31, 32, 33, 39 तक सिर्फ 40 का मिनट। वैसे ही जैसे 21, 22 लिखते आए हैं वैसे ही 41, 42 भी लिखेंगे। 50
21 लिखे हैं वैसे ही 31, 41 से लेकर 49 तक 50 का मीनिंग है, फिर 51 से लेकर 59 तक यहाँ 60, फिर 61 से लेकर 69 तक वैसे ही 99 तक हम टू डिजिट नंबर लिखते हैं। पहले हम इंसान के लिए फॉरवर्ड नंबर बोलते कैसे हैं, फॉरवर्ड जो पहले आता हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 12, अब 12 से आगे जो आता है उसे हम 12 के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड नंबर, जैसे 12 के बाद क्या आता है 13, जैसे इसी तरह हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या आता है 29, 80, 81, 82, 12 है इसमें हम एक ऐड करेंगे उसके बाद फिर हम लिखेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड नंबर मतलब इसमें आगे जो आने वाला है वो, जैसे 12 है इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, वैसे ही अब एक सब में ऐड कर करके लिखते जाना है। Thank you.
करेंगे 78, 29 अब हम लोग फॉरवर्ड नंबर पढ़ लिए हैं और बैकवर्ड नंबर पढ़ रहे हैं। बैकवर्ड नंबर में दिया हुआ रहता है उसमें से 1 डिवाइड कर माइनस करते हैं, जैसे 14 में से 1 को हटाएंगे तो कितना आएगा 13। इस तरह से हम लोग बैकवर्ड नंबर निकालते हैं। जैसे इसका बैकवर्ड नंबर निकालना है, पहले 34 में से 1 को हटाएंगे तो आएगा 33, अब 33 में से 1 को माइनस करेंगे 32, और यहाँ 30। इसी तरह से और भी है 64। Yeah.